नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। इंकशाफात, इंसानी तजुर्बात, हातिम ताई के दिल में उतर जाने वाली कहानियां, तारीख इस्लाम के सबक आमोज वाकयात, सहाबा इकराम की रोशन मिसालें, बच्चों को नेक और अच्छे शहरी बनने के आसान तरकीब कलम बंद है। इनकी दोनों किताबों की कहानियों का निचोड़ यह है कि कदीम जमाना पैगंबरों की तालीमा सूफियों संतों बुजुर्गों के अकवाल से बना था। हर कौम में ऐसे इस्लाह करने वाले मुबलिक बड़ी तादाद में पैदा हुए जिन्होंने नेकी का रास्ता दिखाया और बुराई से परहेज बताया, जियो और जीने दो का गुर सिखाया। इन तमाम लोगों की तालीमात माकूले और कहावत कहावतें लोगों के दरमियान मजमूई तौर पर राइज थे और लोग मुख्तलिफ वाक़े पर इन मकूलों को दोहराते और उनसे सबक लेकर अपने आप को संवारते, सजाते और ज़िंदगी में कामयाब रहते। मौजूदा ज़माने में जो सनती इनकलाब आया, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने इंसानियत को कदीम दौर से निकालकर सांसी दौर में पहुंचाया है, मगर ये इसका जाहरी पहलू है। इसका दाखिली पहलू यह है कि इस जदीद इनकलाब ने आज़ादी के नाम पर सोशल मीडिया की अलगाव ने लोगों के जहन व मिजाज को पूरी तरह से बदल कर अपाहिज बना डाला है। अब लोगों के दरमियान जो मकबूले राइज हैं वो इस्लाह करने वाले पैगंबरों, सूफियों और संतों के नहीं हैं, बल्कि खिलाड़ियों, फिल्मी हीरो, बड़ बोले सियासतदानों के हैं जो अपने साथ जारी चमक दमक तो रखते हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। मौजूदा जमाने में अखलाकी बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह जारी चमक दमक के अलावा सोशल मीडिया का हर तबका में नशा और सबक आमोज किताबों से दूरी है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि निसाबी किताबें तो इम्तहान में कामयाब जरूर बनाती हैं, लेकिन अखलाक संवारने, इंसानियत का दर्स देने वाली किताबें इंसान को जिंदगी के हर मोड़ पर, हर मौसम में, हर जगह कामयाब बनाती हैं। प्रोफेसर साहब की दोनों किताबों की जबान इतनी आसान है कि कारी को कहीं भी खुश्की, बेलुत्फी और गैर दिलचस्पी का एहसास जरा भी नहीं होता। आपने बच्चों को सबक दिया, इस्लाह की, अच्छे शहरी बनने के गुर बताए हैं, लेकिन खुशफहमियाँ नहीं दी हैं। उनकी तहरीर की बड़ी खूबी यह है कि कम से कम अल्फाज का सहारा लेकर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं। साथ साथ मौजू इतना ज़बरदस्त होता है कि कारी को एक टिकट पर दो मज़े का लुत्फ मिलता है। इस पर मशहूर अजीबों की राय गोया सोना पर सुहागा है। बरसों से घर और कॉलेज तक लिखने पढ़ने पढ़ाने का सूरज सूरज सफर नई नस्ल के लिए मशले रहा है। बहुत पहले की बात है, जब प्रोफेसर साहब मजालिस में नकाबत करते थे तो आपके प्रोफेसर साहब से गुफ्तगु करके कोई भी कहीं भी कभी भी बेवजह ना हुआ। उनकी खूबियों की वजह से उनसे मिलने की ख्वाहिश हर वक्त दिल में स्पार्क करती रहती है। अब वक्त को भरोस रखते हुए बराह रास्त में सदर महफिल प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और सदारती कलमात से नवाजें। प्रोफेसर मंजर हुसैन साहब, खुद मेरी अपनी जहालत की नुमाइश होगी। क्या 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 कहने क्या कहने क्या आपके और आप हजरात के सब्र की आजमाइश भी जाहिर है कि हमारे बड़े भाई के सामने बोतल है, कहीं नशा नहीं आ जाए। आज 5 मकाले पढ़े गए बड़े ही जामे वकी, और इन मकालों को सुनने के बाद प्रोफेसर मुश्ताक आजमी की शख्सियत और उनके कसर जहत फन के मुतालिक हम लोगों को वाकफियत हुई है। यकीनन हम लोगों ने आज यहाँ बैठ करके आप हजरात यहाँ तशरीफ लाकर एक कोलंबस का काम अंजाम दिया है। उस शख्सियत के बारे में जिसके बारे में एक एक उनके जहतों पर, उनके अदबी जहतों पर गुफ्तगू की गई है। पहला मकाला नेखत परवीन साहबा
का था यकीनन, क्योंकि वो उनकी शागिर्दी में रही होंगी और बी ए की उनको सरपरस्ती हासिल रही। ये मकाला तसुराती भी है और इसमें अकीदत का जज्बा जो है समंदर के हचकोले की तरह मार रहा है ना। ये मकाला जो इन्होंने पढ़ा उससे मुश्ताक आदमी की शख्सियत पर तफसीली रोशनी पड़ती है, और साथ साथ उन्होंने जो उनके अफसानों के फन पर इजहार ख्याल किया तो इससे जो है फनी रंगदो निकात से हमें आशनाई होती है। दूसरा मकाला जनाब नदीम शाहबान का था जिसका उन्वान था मुश्ताक आदमी का खाका। खाका नसरी अदब की वो सिंफ है जिसको हम अंग्रेजी में पेन स्केच कहते हैं। खाका का फन जो है वो नज़र का फन नहीं होता है, नज़ारे का फन होता है। और जनाब नदीम शाहबान साहब ने बात सुनी थी कि उन्वान से जो कलमी मुरक्का कशी की है उसने जहाँ एक तरफ अपने ममदू इससे जज्बे रिक्शे अकीदत का जज्बा फूटता है, दूसरी तरफ खाका के फन के पर भी इन्होंने खाका के फन के हवाले से इन्होंने बहुत ही अच्छा खाका पेश किया है। ये मजार का रंग भी इनके खाकों में है, और साथ साथ ये कि उनके जो अपने ज़ाती तल्लुकात थे रवाबित थे और जो उनकी सरपरस्ती में उन्होंने हासिल किया, जाहिर है कि खाका का काम ये नहीं है कि किसी शख्सियत के मुतल्लिक तफसीली रोशनी डाली जाए, इसके लिए सुहाने का फन हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ ये जो जनाब नदीम शाहबान साहब ने खाका पढ़ा इसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और फिर ये कि इन्होंने अपने उस्ताद के साथ जो अकीदत का जज्बा दिखाया है यकीनन ये एक लायक शागिर्द का जो है की पहचान है। तीसरा मकाला जो पढ़ा गया वो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान जिन्होंने मुश्ताक आदमी के मजामीन का मौजूआती और असलूबियाती मुताला के नाम से पढ़ा। इन्होंने दावे नजर जो उनका मैं मुश्ताक आदमी साहब के उनके मजामीन का जायजा लिया है और बड़ी तफसीली रोशनी डाली है उनके मजामीन पर। लेकिन हमारे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान ने पूरे मकाले में एक भी मजमून का इख्तबास पेश किया, इसके मुमकिन हो तो वो जल्दीबाजी में निकले, या जाहिर है कि वो उन्होंने वो हिस्सा छोड़ दिया हो, लेकिन ये कहने में हमें कोई तमन नहीं कि उन्होंने तहकीकी एतबार से तनकीदी एतबार से मुस्तफ अजीम आबादी और बदनहीन के हवाले से जो बातें कही हैं यकीनन जो है वो नई नस्लों के लिए ये खिदरा है कि हमारा आसनसोल कितनी अजीम शख्सियतों से आसनसोल की ज़मीन में कितने लोग खाके पेवंद हो गए उसका इन्होंने पूरे पूरे तफरी तौर पर जायजा लिया है। उसके बाद एक जनाब इमरान कुरैशी साहब ने मुश्ताक आदमी बहसियत मुनसिब मुतरज जाहिर के तर्जुमा का फन जो है आप ही की आवाज़ सब पर भारी जनाब इमरान कुरैशी साहब ने मुश्ताक आदमी बहसियत मुरतब मतरजम में तीन किताबों का हवाला दिया है, और उसके साथ राजेंद्र सिंह बेदी पर जो मक्की ये किताब लिखी है मोहन चंद्रनाथ अश्के ने, जाहिर है कि देखिए होना ये चाहिए था इमरान कुरैशी साहब बहुत दिनों से लिख रहे हैं कि जब भी तकाबली मुताला या तर्जुमे की बात हो तो एक इतबाद उपेंद्रनाथ अश्के का देना चाहिए हिंदी में, उसका तर्जुमा देखना चाहिए। उसके बाद उसका ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि मुस्तकबिल में जो कलमकार है इसका ख्याल रखें, हम उनको मुबारकबाद देते हैं और इन्होंने बहुत तफसीली रोशनी डाली है। इंजीनियर खुर्शीद साहब को खुर्शीद अली साहब से मैं बहुत ज़्यादा बात के बारे में बातें नहीं कर सकता हूँ इसलिए कि उनके अल्फाज के दो की सलामी दे दिए हैं, और ऐसा ना कि उनको कम इस तरफ चढ़ावे। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई भी मुहज्जब कौम उस वक्त तक के मुहज्जब नहीं कहला सकती है जब तक कि उसके यहाँ अदब में कोई अदबी इकबाल का हिस्सा नहीं। मुहज्जब कौम कहलाने के लिए ये भी देखा जाता है कि उसके अदब में अदबी इकबाल का जो है बच्चों के अदब का कितना हिस्सा रहा है। मुश्ताक आदमी साहब एक कोहनमश्क उस्ताद भी हैं, और जाहिर है कि कम से कम जो है 5 दहाइयों से अपने कलम को जो है हरकत दिए हुए हैं, रवा दवा रखे हुए हैं, और वो जानते हैं कि बच्चों के अखलाक की तरबियत के लिए, उसकी नफ्सियात के लिए, उसके जहन की इस्लाह के लिए उसको अदब पेश कर। हर हमारे यहाँ इस्माइल मिर्ची हों, चाहे नज़ीर अकबर आबादी हों, अल्लामा इकबाल हों, सब उन्होंने अदब इकबाल पर शायरी में नस्ल में बातें कही हैं। तो इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब चूँकि मुश्ताक आदमी साहब से बहुत करीब रह चुके हैं और उनके तमाम तसनीफ़ात व तख्लीक़ात का उन्होंने मुताला किया है, और जिस और फनी एतबार से इकतबास के हवाले से उन्होंने प्रोफेसर मुश्ताक आदमी
के आत्मविश्वास पर रोशनी डाली है, उससे अंदाजा होता है कि आसनसोल की जमीन न सिर्फ अफसाना के लिए, न सिर्फ शायरी के लिए और न सिर्फ मजामीन के लिए, बल्कि यहाँ हमारे ऐसे ऐसे प्रोफेशनल जहद फनकार हैं जिनके इल्मी व अदबी फतूहात का दायरा बहुत ही वसी है, और उन्हीं में एक बड़ी शख्सियत मुश्ताक आजमी का है। मैं भी पेश करता हूँ इन्हीं बातों के साथ। मैं तमाम एकेडमी के अराकीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बेशकीमत मजलिस में आज अपने यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी की तरफ से यहाँ पर मुश्ताक आजमी को, प्रोफेसर मुश्ताक आजमी को इनको सम्मान दिया गया और इनके बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में ये सेमिनार किया गया। ये प्रोफेसर मुश्ताक आजमी क्या है, क्या हस्ती है? ये प्रोफेसर भी हैं, शायर भी है, नगमा निगार भी हैं, इनका नाम निकल चुका है, समझ गए जी। यही प्रोग्राम हुआ है और कलकत्ते से सभी कोई आए हुए हैं, हमारे वाइस चेयरमैन शाकुद्दीन हैदर और हमारे प्रोफेसर साहब आए हैं, जावेद साहब, और हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, सर सभी लोग आए हुए हैं, कलकत्ता से सारे लोग आए हुए हैं, माशाल्लाह यहाँ के सारे लोग हैं। यहाँ तो कोशिश बहुत कुछ किया जा रहा था प्रोग्राम को लेके कि नाकाम किया जाए प्रोग्राम को, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह मेरे साथ थे और अल्लाह ने कामयाब किया प्रोग्राम को। आपका नाम? मेरा नाम तेरा शहमीद है, हम वेस्ट बंगाल बर्धमान ज़िला के हम चेयरपर्सन हैं और यहाँ के हम उर्दू अकेडमी के। सर आप कासम सलीम इस्तकबाल हैं, आज आपने यहाँ किस नौयत के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है? ललित आदमी है तो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई आज से एक साल पहले कि पश्चिम बंगाल के जितने भी शोरा और अदीब हैं हम सबकी ज़िंदगी पर सेमिनार करेंगे, क्योंकि ये लोग गुमनाम होते जा रहे हैं, जबकि बड़े बड़े शोरा अदीब हमारे पश्चिम बंगाल में पैदा हुए, ताकि नया जनरेशन उनको याद रख सके। तो आज का ये प्रोग्राम उसी का एक कड़ी है, उसी की सिलसिला है। हम लोगों ने देखा कि आपका प्रोग्राम बहुत कामयाब हुआ है, इसके बाद फिर मुस्तकबिल और आप लोगों का इरादा है? आइंदा 20 अक्टूबर को हम पुरलिया में, 19 अक्टूबर को हम पुरलिया में एक प्रोग्राम कर रहे हैं वास्ती साहब के। अच्छा, और आपका जो कलकत्ता की जो उर्दू अकेडमी है वहाँ से कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं? वहाँ से मैं आया हूँ, हमारी सेक्रेटरी आई हैं, हमारे लाइब्रेरी के चेयरमैन आए हैं, पब्लिकेशन कमेटी के चेयरमैन आए हैं, हमारे सीनियर स्टाफ वहाँ लाइब्रेरियन हैं दो, न्याज साहब, शौकत साहब वो आए हैं, उमर गजाली साहब आए हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद क्या रहा? सेमिनार था, उद्देश्य क्या है इस सेमिनार को रखने का? भाई एक शख्सियत को जिंदा करना है, लोग भूलते जा रहे थे, नया जनरेशन भूल रहा है, तो उसको याद रखने के लिए आज जो सेमिनार पढ़ा गया और पढ़ा जाएगा वो सब जो मकाला पढ़ा गया है किताब के शक्ल में उसको शाया किया जाएगा, वो महफूज हो जाएगा, ताकि आज के बाद का नया जनरेशन भी ये जान सकेगा कि मुश्ताक आजमी कौन थे। तो मुश्ताक आजमी साहब के बारे में दो शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि क्या थे वो, कौन, क्या हस्ती थे, क्या थे? आसनसोल शहर में तो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अदबी खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों ने मुश्ताक आजमी का इंतखाब क्यों किया? उसके पहले हमने क्या ना इस पर रौनक करवट नहीं। सर आपके सर आसनसोल में इस्तकबाल है, मुबारकबाद के मुश्ताक का, आप लोगों ने बहुत ही कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया। जिस शख्स को आपने इंट्रोगेट किया, जिस शख्स को आपने मौजू बनाया, उसके बारे में चाहता हूँ कि दो चार जुमला हमारे सामाइन के लिए कहें। देखिए 1960 के बाद जो खेप नज़र आती है, मेरी मुराद जफर ओगामी, अनीस अभी, चिरंद्र आबिद, उन्हीं सब में मुश्ताक आजमी का भी नाम आता है। मुश्ताक आजमी की पहली कहानी 1955 ईस्वी में कलिया में शायद हुई थी, जब वो स्कूल के तालिब इल्म हुआ था। जाहिर है कि एक स्कूल का तालिब इल्म कहानी लिख रहा हो तो ये बात तस्दीक करने में हम रोजगार निकाह नहीं होना चाहेंगे कि उसके अंदर एक अफसाना निगाह सांस दे रहा है। जहाँ तक कि मुश्ताक आजमी की कहानी का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी कहानियों के अंदर जो कर्म है उस कर्म को वही शख्स महसूस कर सकता है जो उस कर्म से गुजर रहा हो, क्योंकि मुश्ताक आजमी कलकत्ते से दूर रहकर आसनसोल की सरजमीन के
یہاں گرچہ اور بھی افسانہ نگار پیدا ہوئے، اظہار کام پیدا ہوئے، نظیر احمد یوسفی پیدا ہوئے، مشتاق اعظمی پیدا ہوئے، عشرت بہتاب پیدا ہوئے، لیکن ان تثلیث کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اردو ادب کی ہر سفا پرست خدمت انجام دی ہے۔ اردو اکیڈمی نے مشتاق اعظمی کا انتخاب اس لیے کیا کہ اکیڈمی اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ یہاں کے ادبا شعرا پہ اگر اکیڈمی کام نہیں کرے گی تو کس پہ کرے گی؟ غالب پہ، میر پہ، سر سید پہ، نظیر پہ، ہر اکیڈمی میں سیمینار ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے شاعروں اور ادیبوں کو وہ مقام نہیں دے پاتے ہیں جس کو ہم مستحق پاتے ہیں۔ اس لیے اردو اکیڈمی ان ادبا شعرا پہ سیمینار کر رہی ہے جو اپنی شرح مستحکم کر چکے ہیں اور جو بحث افسانہ نگاہ یا بحث شاعر جانے اور پہچان ہے۔ اسی زمرے میں مشتاق اعظمی کا بھی نام آتا ہے جنہوں نے 1955 اور آج 2019 کا ہے یہ عرصہ جو ہے تقریباً کم و بیش 65 سال پہ محیط ہے، اور 65 سال پہ محیط اگر کوئی شخص کہانی لکھ رہا ہو، 65 سال سے اس پہ اگر زبان لکھنا تو جانا رہے، نہ جانے کتنے طلبہ طالبات کی ذہنی آبیاری کی ہے، تو ایسے شخص پہ سیمینار کرنا تو یقیناً ہمارا فرض عمل ہوا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا آخری پروگرام ہے بلکہ ہم اسی طرح کلکتہ سے یہاں پہ رہیں گے، یہاں کے ادبا شعرا پہ ہم سیمینار کرتے رہیں گے۔ میری مراد یہاں آپ کے آبی ضمیر صاحب ہوا کرتے ہیں، ان پہ سیمینار ہوگا۔ یہاں پہ اور بھی شاعر ہوا ہے، نظار صاحب صاحب کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، ہمیں افسوس ہے، افسوس ہے کہ اردو زبان ادب جو ہے ایسے شخص حال ہو گیا ہے۔ اس سیمینار کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں، آپ آسنسول میں جب آئے ہیں ادبی پروگرام میں اس طرح لوگوں کا شرکت ہوا، ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، کیسا محسوس ہوا؟ دیکھیے یقیناً خوشی ہوتی ہے کہ ہم 200 کلومیٹر سے چل کر آپ کے شہر میں آئے ہیں اور یہاں ہمارے اردو دوست یہاں جب موجود ہیں، تو یقیناً جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور ہمارا پروگرام کامیابی سے ہمارا ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے میں جہاں بہت سارے ادبا شعرا کا ہاتھ ہے، بہت سارے لوگ یہاں نفس نفیس موجود ہیں، کچھ ممکن ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے یہاں شرکت نہیں کر سکتے، اس کے باوجود بھیڑ ہے، اس کے باوجود یہ ہمارا پروگرام کامیاب رہا۔ اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں طلعت صاحبہ کا بہت ہی احسان مند ہو سکتے ہیں، ان کا کرنے احسان مند ہو سکتی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہو سکتے ہیں کہ اس دور الحاد میں بھی انہوں نے اپنی ذاتی کوشش کی اور ان کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج کے یہ پروگرام جو آپ تمام لوگ سے گواہ ہیں کہ کس طرح کامیابی سے ہمدنا ہو رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اسی طرح ہمارا پروگرام کامیاب ہوتا رہے گا اور اردو دوست ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہیں گے، یہاں کے ادبا شعرا پہ ہم ہمیشہ جو ہے سیمینار کرتے رہیں گے، ہم تو یہاں مشاعرہ بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ جب اردو اکیڈمی کی بلڈنگ اسی سال جو ہے ہینڈ اوور ہونے والی ہے، ٹیک اوور ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم یہاں ایک شاندار مشاعرہ بھی کریں گے، یہاں ڈرامہ فیسٹیول بھی کریں گے اور سیمینار بھی کرتے رہیں گے، اور پوری امید کے ساتھ، پورے توقع کے ساتھ، ہمارا اس بات کا ایمان ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں اردو دوست ہیں، اردو نواز ہیں، کچھ تو ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا تو وہ مرجو سلطانوی کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانے کے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، اسی طرح سے یہ کارواں بنتا رہے گا۔ ہم ادب کی خدمت کرتے ہیں، چلیے ہماری بھی کوشش ہے کہ آپ کی کوشش کی جو تمام اس کو جنگ نہ لگے اور اسی طرح آپ کو خدمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور اپنا نام کیا؟ میرا نام نویر احمد، میں اردو اکیڈمی گورنمنٹ کا ممبر ہوں، جاری سب کمیٹی کا چیئرمین ہوں۔ شکریہ۔